नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम सीरीज की, और इस सीरीज में अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर बेस्ड आपके वेरियस एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करी। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यूब से संबंधित यानी कि घन से संबंधित जो डिफरेंट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि आपको कहाँ कहाँ किन किन प्रश्नों में लैंग्वेज के साथ क्या क्या इशूज आते हैं जिसके कारण आप एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में गलतियां करते हैं। इसके अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है आज के सेशन में, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपको जीएस के सेक्शन में इसार सर ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आपको क्विजेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वेबसाइट पे कैसे एक्सेस करना है, या अगर हम बात करें तो हमारे एप्लीकेशन पे कैसे आपको एक्सेस करना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको ऑलरेडी बना करके दिया जा चुका है इसार सर के द्वारा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस कड़ी में आपको आगामी जो सेशंस देखने को मिलेंगे, अगर हम बात करें क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, तो इस पर बेस्ड आपको मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और साथ ही साथ इंग्लिश से रिलेटेड क्विजेज भी आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारे आकर्षक उपहार भी रखे गए हैं, जैसे कि आपका मंथली मैगजीन सब्सक्रिप्शन से लेकर के वेरियस टेस्ट सीरीज भी शामिल है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेशन के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक और सरप्राइज जो कि आपके आगामी सेशन से रिलेटेड होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की, यानी कि हम क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम की बात करें, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी जो निरंतरता है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा जा सके, चाहे वो फिर आपके क्विजेस के माध्यम से हो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, या इस प्रकार के क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हो। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको, अगर हम बात करें पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितने वो जेन्युइन है, कितने ऑथेंटिक है, इसके बारे में भी आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी निरंतरता है, जो आपकी कंटिन्यूटी है, वो बिना किसी बाधा के आप क्या कर सके, कंटिन्यू रह सके, हमारे साथ में जुड़ सके, और जो अपनी पढ़ाई है उसकी निरंतरता को बरकरार रख सके बिना किसी अवरोध के। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य यही है, और आप भी क्या करेंगे, इस निरंतरता को हमारे साथ बरकरार रखेंगे, सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ साथ हमारे प्रश्नों को बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं कि पहला प्रश्न आपको किस परीक्षा से देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताना है कि स्क्रीन पे जो दिया गया प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक आप में से कितने विद्यार्थियों ने निकाल लिया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो कि आपको झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा 2015 में देखने को मिला। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, हम बात करें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहां पे कैसे आप कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर किस तरह से आपको लैंग्वेज के माध्यम से कंफ्यूज करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल ऑफ इट्स सर्फेसेस एंड देन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच। तो यहां से अभी तक आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि कुल जो आपके छोटे घन होंगे, टोटल जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 64। क्लियर। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोला गया है द स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेंड आर नाउ सेपरेटेड, इनको अलग कर लिया गया है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, आपको बताना है कि कितने ऐसे यहाँ पे घन है जो कम से जिनकी कम से कम 2 सतहें क्या है, लाल रंग से रंगी हुई है। और आप में से जितने भी विद्यार्थियों का आंसर अभी तक यहाँ पे क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 आ गया है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी के साथ कि आप में से कितने विद्यार्थियों का आंसर क्या आया है, 24 आया है। और यहाँ पे भाषा से आप किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं, एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर की बात की जा रही है। तो मैंने आपको जब एसएससी सीएचएसएल का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे क्यूब का, तो वहां पे मैंने आपको बताया था एटलीस्ट एट मोस्ट, चलो एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूं, एटलीस्ट एट मोस्ट और ओनली। ठीक है, एटलीस्ट की अगर बात करेगा तो यहाँ पे हम 1 सरफेस की बात कर लेते हैं, 2 सरफेस की बात कर लेते हैं, 3 सरफेस की बात कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 सरफेस की अगर बात करेगा तो 0 को भी कंसीडर करेंगे, सॉरी एटलीस्ट अगर यहाँ पे 1 सरफेस की बात करेगा तो 1 को भी कंसीडर करेंगे, 2 को भी कंसीडर करेंगे और 3 को भी कंसीडर करेंगे, जबकि एटमोस्ट की बात करेगा तो हम 0 को भी कंसीडर करेंगे और 1 को भी कंसीडर करेंगे, जबकि ओनली की अगर हम बात करेंगे तो ओनली में आपका एक ही सरफेस कलर्ड क्यूब्स की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोला गया, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है
तो कम से कम अगर दो हैं तो दो को भी कंसीडर करना है, साथ ही साथ तीन वाले को भी कंसीडर करना है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें एटमोस्ट टू की बात करेंगे तो हम जीरो को कंसीडर करेंगे, वन को कंसीडर करेंगे और टू को कंसीडर करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट थ्री या कॉर्नर क्यूब्स की अगर हम बात करें, सभी सतह रंगीन है तो कॉर्नर क्यूब्स को हम निकाल सकते हैं। जबकि हम बात करें ओनली की तो यहाँ पे केवल और केवल दो वाले को कंसीडर करेंगे। एटलीस्ट थ्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन वाले की चर्चा करेंगे, एटमोस्ट थ्री की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सभी को कंसीडर करके चलेंगे, जबकि ओनली थ्री की बात करें तो यहाँ पे केवल तीन सतह वाले को जिस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गई एक बात, वापस से आते हैं प्रश्न पे। तो हमें पता है बोला गया है एटलीस्ट, और एटलीस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब एटलीस्ट टू की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, टू वाले को भी कंसीडर करेंगे और थ्री वाले को भी कंसीडर करेंगे। और हमें पता है एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की अगर हम बात करें तो एक सतह पे, यानी कि ऐसे क्यूब कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे क्यूब पाए जाते हैं आपके किनारों पर, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4, तो n माइनस 2 क्यूब्स पाए जाते हैं प्रत्येक किनारे पे, और किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, तो 24 घन तो हमें ये मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन घनों को भी यहाँ पे सम्मिलित करेंगे जिनकी तीनों सतहें क्या होंगी, लाल रंग से रंगी हुई होंगी, यानी कि ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि क्या होते हैं आपके कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। इट मीन्स अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर की हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, 32। जहां पे लगेगा कि डायग्राम बनाना चाहिए, रिक्वायर्ड है, वहां पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। अदरवाइज आपको बेसिक में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, बेसिक में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दिया है, ताकि लेक्चर से संबंधित या आप कहीं से भी प्रश्न बना रहे हैं, किसी प्रश्न से संबंधित आपको कोई भी अगर समस्या है, कोई भी अगर आपको डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर जुड़ करके हमसे डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो बोला है एक घन को लाल रंग से रंगा जाता है और फिर उसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने घनों की कोई रंगीन सतह नहीं होगी, यानी कि कलरलेस क्यूब्स की बात करी जा रही है, या आप इसको इनर क्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमें पता है ऐसे क्यूब्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एन माइनस टू का क्यूब, और एन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें कितनी, 4, और 4 में से 2 घटाओगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2, और 2 का क्यूब करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए मूव ऑन करते हैं यहां पे अगले प्रश्न की ओर। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो यहां पे बोला जा रहा है एक 27 सेंटीमीटर घन की सभी सतहों को काले रंग से रंगा जाता है और फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है, कितने रंगीन घनों में केवल एक ही सतह रंगीन होगी, यानी कि यहां पे अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूं तो यहां पे बड़े घन की भुजा की लंबाई डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा की लंबाई, n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें कितनी, 9, और बात करी जा रही है ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, सेंटर्स पे पाए जाते हैं प्रत्येक सतहों के, और ऐसे घनों की अगर हम संख्या की बात करें तो जब n की वैल्यू 9 है तो n माइनस 2 का क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है, यानी कि एक अगर हम सतह की बात करें तो कितने मिल जाएंगे, 49 मिल जाएंगे, एक सतह पे मिल जाएंगे 49, और ऐसी 6 सतहें हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि 49 इंटू 6 करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 294, यानी कि 9×54, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 64 आंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है कि 49 का गुणा क्या करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे, या 50 का गुणा 6 टाइम्स करेंगे तो 300 मिलेगा, माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 294, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे फटाफट से अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न से पहले यहाँ पे आपको अगले सेशन से संबंधित कुछ जानकारी देखने को मिल रही है। तो जो नेक्स्ट आपका सेशन होने वाला है क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में, वो आपका बेस्ड होने वाला है कैलेंडर पर, और ये मैंने आज के सेशन के बीच में इसलिए रखा है ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा रखते होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जितने भी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि हम कैसे ये फाइंड कर सकते हैं, आप सभी को क्या करना है, अपना नाम और नाम के साथ में डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अगले सेशन में आप में से ही कुछ विद्यार्थियों के मैं कमेंट्स पिक करके क्या करूँगा,
बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपने कितनी बार उसी दिन अपना जन्म दिवस मनाया है जिस दिन आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपकी पैदाइश का जो दिन था उसी पर्टिकुलर डे पे आपने कितनी बार अभी तक अपना जन्म दिवस मनाया है। तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले सेशन में, क्लियर। चलिए, अगर आप ये जानते हैं कि कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर बना करके कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रश्न को समझाया जाए, ठीक है। तो प्रश्न की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा नीचे कर देते, ठीक। अ क्यूब इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेस। वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन टू larger faces and green on the remaining, while the other is colored green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of the same size. The 64 cubes are then mixed up. ठीक है, अब समझिए। एक घन था, एक अगर हम घन की बात करें, अब इसको बोल रहा है कि हमने क्या किया, इस प्रकार से दो भागों में काट दिया। इस प्रकार से हमने इसको दो भागों में काट दिया तो दो जो हमें घन देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे, एक तो ये मिल जाएगा और इसी प्रकार से एक और घन हमें देखने को मिल जाएगा। इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, या इसको मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। चलिए, एक और इसी प्रकार का घन हमें देखने को मिल जाएगा जो कि इस प्रकार से होगा, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करें, प्रत्येक भाग को यहां पे जैसा कि आपको बोला गया है, वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन टू लार्जर फेसेस, यानी कि एक पीस के जो दो ऊपर वाले यानी कि लार्जर फेस है, यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं नीचे में लाल हो जाएगा और यहां पे लाल हो जाएगा, जबकि बाकी की अगर हम बात करें तो बाकी को हरे रंग से रंगा गया है। इसी प्रकार यहां पे अगर मैं बात करूं तो बोला गया है While the other is colored green on two smaller adjacent faces, यानी कि यहाँ पे अगर हम हरे की बात करें तो यहाँ पे हरा हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि पीछे पे रेड, यहाँ पे रेड और नीचे में भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और इस पर आधारित अलग अलग क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम इसके साथ साथ डिस्कस करने वाले, ठीक है। अब प्रत्येक में से क्या किया जा रहा है, प्रत्येक को 32-32 छोटे घनों में विभाजित किया जा रहा है। तो कैसे विभाजित किया जा रहा है इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक दो तीन, यहां पे अगर हम बात करें तो एक दो तीन, क्लियर, ये हो गया आपके 32 घन। इसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, 32 घनों में विभाजित करेंगे, एक दो तीन, क्लियर, यहां पे भी हो गया आपके 32 छोटे घन। अब अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन कलर्ड फेस, केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो हमें पता है कि ऐसे घन कहां पाए जाते हैं, ऐसे घन पाए जाते हैं सतहों के सेंटर पे। और अगर हम सेंटर की बात करें, अगर ये पूरा एक ज्वाइंट होता, अगर ये पूरा एक ज्वाइंट क्यूब होता, इसको अगर हमने काटा नहीं होता, तब यहां पे सतहों की जो संख्या मिलती, यानी कि एन की वैल्यू मिल जाती अपने को 4। और अगर हम बात करें तो ऐसे घन कहां पाए जाते हैं, हमें पता है कि सतहों के सेंटर पे पाए जाते हैं। तो एक सतह पे मिल जाता हमें कितना, n माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। तो 6 सतहों पे मिल जाते हैं हमें कितने, 24 ऐसे घन। लेकिन अगर अब हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की, तो देखो ऐसे घन हमें केवल और केवल यहां पर मिलेंगे, यहां पर मिल जाएगा 4, इसके नीचे में मिल जाएगा 4, लेकिन बाकी के जो आपके यहाँ पे सरफेसेस हैं उन पे कोई भी ऐसा घन नहीं मिलेगा जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। अगर आप इस वाले घन की बात करोगे तो ये नीचे से भी रंगीन होगा, इस वाले घन की बात करोगे तो ये ऊपर से भी रंगीन होगा, यानी कि 4 यहाँ से मिल जाएंगे, 4 नीचे से मिल जाएंगे। इसी प्रकार 4 घन यहाँ से मिल जाएंगे और 4 घन कहाँ से मिल जाएंगे, नीचे वाले लेयर से मिल जाएंगे, यानी कि घनों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे में ही आप क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, यानी कि आपने देखा कि एन की वैल्यू मिल गई कितनी, 4, और सीधे सीधे हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं, n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6 कर देते हैं,
या 6n-2 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो वैल्यू मिल जाती है हमें 24। लेकिन ध्यान देना है कि काटने के बाद ये वाले जो लेयर्स हैं, यहाँ पे आपको 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स देखने को मिलेंगे, ना कि ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। क्लियर। चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इसी संबंधित जो कि बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो बोला हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो कलर्ड फेस एट ऑल, कितने ऐसे घन हैं जिनमें एक भी सतह रंगीन नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। और जब बात करी थी मैंने क्यूबॉइड की तो मैंने बताया था किसी एक n की वैल्यू अगर 2 देखने को मिल गई तो कलरलेस क्यूब्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्यूबॉइड के ऊपर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और यहाँ पे आपको n की वैल्यू ऑलरेडी 2 बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक भी ऐसा घन नहीं होगा जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो। कोई भी यहाँ पे आप घन लेकर के देख सकते हो, चाहे इस वाले पार्ट में चाहे इस वाले पार्ट में। यानी कि ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो अगेन यहां पे आपको पूछा गया है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड एंड 1 ग्रीन फेस, 2 लाल और एक क्या हो हरे रंग की सतह आपको देखने को मिले। तो 2 लाल सतहों की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे आपको पता है कि ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड, और नीचे भी आपको बॉटम पे भी क्या देखने को मिल रहा है, रेड देखने को मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं इस वाले क्यूब की बात करूंगा, यहां पे तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलना क्यों, क्योंकि अपोजिट सरफेस पे रेड है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से मिलेंगे, देखो इस वाले अगर मैं क्यूब की बात करूं तो यहां से रेड होगा। चलिए और लैंग्वेज में भी देखो यहाँ पे जब तक आपको एटलीस्ट एटमोस्ट ना लिखा हो तो उसको आप ओनली कंसिडर करके चलेंगे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड एंड 1 ग्रीन फेस, तो यहां से ये रेड होगा, साइड से अगर हम बात करें तो साइड से रेड होगा, जबकि यहां से क्या होगा, ग्रीन होगा। तो कितने हो गए, 1। उसी प्रकार यहां से रेड, पीछे से अगर हम बात करें रेड लेकिन साइड से रेड, तो ये यहां पे तीनों आपको लाल रंग की सतहें देखने को मिल रही हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो रेड, साइड से रेड और सामने में ग्रीन, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 2। यहां पे बात करूं तो सामने से ग्रीन, नीचे से रेड, साइड से रेड, कितने हो गए, 3। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस वाले की अगर मैं बात करूं तो नीचे से तो क्या होगा, रेड होगा, लेकिन यहां से ग्रीन होगा और यहां से ग्रीन होगा, यानी कि यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और आपको जो घन देखने को मिलेगा 2 लाल सतहों के साथ, वो यहां पे मिलेगा, यहां से ग्रीन, पीछे से रेड और नीचे से रेड, यानी कि आपको 4 ऐसे घन देखने को मिलेंगे जिनकी 2 सतहों पर लाल रंग होगा, और अगर हम बात करें तो 1 सतह क्या होगी, हरे रंग की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए मूव ऑन करते हैं यहां पे अगले प्रश्न की ओर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपका अलग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, तो चलिए इसको हम डाटा को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहां पे बोला गया है क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन 2 एडजेसेंट फेसेस एंड ऑन 1 अपोजिट फेस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्रश्न की पहले आपको भाषा को समझना होगा और भाषा को लेकर के आप काफी कंफ्यूज होते हैं। क्लियर। तो यहां पे कह रहा है कि क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन 2 एडजेसेंट फेस एंड ऑन 1 अपोजिट फेस, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सतहों की संख्या होती है 6, जिनमें से 3 सतहों पे रंगा गया है नीला कलर। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें ग्रीन ऑन 2 अपोजिट फेसेस एंड पिंक ऑन द रिमेनिंग फेस, इट इज देन कट इनटू 64 इक्वल क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 ब्लू कलर्ड फेस। तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, देखो, ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है क्या कि 2 एडजेसेंट और 1 अपोजिट फेस पे क्या है, ब्लू कलर है। तो मान लेते हैं ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया और ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। इस प्रकार से 2 अपोजिट फेस और 1 एडजेसेंट सरफेस पे क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, इसके अलावा बोला है 2 अपोजिट फेसेस पे ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन रख लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन रख लेते हैं, और जो रिमेनिंग बच गया उस पे क्या है, पिंक कलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पिंक कलर। क्लियर। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला है हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 ब्लू कलर्ड फेस, और हमें पता है कि एन की वैल्यू कितनी है, 4। एन की वैल्यू 4 है तो 1 सर्फेस पे ऐसे घनों की संख्या कितनी मिल जाएगी हमें, n-2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ऐसे सरफेस कितने हैं जो कि नीले रंग से रंगे गए, तो हमें देखने को मिल रहा है ऐसे 3 सरफेस हैं, यानी कि 1 सरफेस पे 4 ऐसे घन मिलेंगे, तो 3 सरफेस पे ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आप यहाँ पे कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कितने सर्फेसेस पे ब्लू कलर था, या किस सर्फेस पे कौन सा कलर रखना है, कितने लोगों को डायरेक्टली ही समझ में आ गया या कितने लोगों को यहाँ पे
सॉल्व करने के बाद समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए इसी प्रकार से आने वाले सेशंस की अगर हम बात करें तो पूरा प्रयास यही है कि आपको ऐप पे या फिर अगर हम बात करें यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आपसे हम जुड़ सकें, जहाँ पे डायरेक्टली आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएं। तो इसके लिए भी हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं, बस कुछ टेक्निकल अपडेशन है जिसके होने के बाद हम आपसे लाइव क्लासेस के माध्यम से इस प्रकार से सेशंस को लेकर के जुड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कलर्ड रेड विद 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप अलोंग ऑल द साइड्स ऑन ऑल द फेसेस। द क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट वन फेस कलर। तो यहाँ पे प्रश्न में कहा क्या जा रहा है इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है यहाँ पे, आपको टेंशन नहीं लेना है, सेशन में बने रहना है बिल्कुल। अगर बात करें तो नॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आवाज़ें देखने को मिल सकती हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे काम चल रहे हैं जिसके कारण से आपको ये आवाज़ें सुनने को मिल सकती है। ठीक है, चलो फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न की। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, तो ये 125 अगर हम बात करें इनको हम छोटे घनों में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक, अब समझिए इसकी जो प्रत्येक लेयर है, कौन सी वाली, ये वाली लास्ट वाली, यानी कि अगर हम 10 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये वाली जो प्रत्येक लेयर है ना, इसको ग्रीन कलर से क्या किया गया है, ग्रीन कलर की स्ट्रिप से यहां पे प्रत्येक लेयर को ये मान के चलेंगे कि ये किस कलर की है, ग्रीन कलर की है। क्लियर, प्रत्येक में ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, ग्रीन कलर की आपको लेयर देखने को मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे प्रश्न की। प्रश्न की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट वन फेस कलर, कितने ऐसे घन हैं जिनमें एटलीस्ट एक सरफेस कलर है। तो ऐसे घन कहां पाए जाते हैं, सतहों के सेंटर पर पाए जाते हैं। और एक सेंटर पर अगर हम बात करें n की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहां पे n माइनस 2 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और यहां पे सतहों की कुल संख्या है 6, यानी कि n माइनस 2 की वैल्यू मिलेगी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9, और 9 गुणे 6 करोगे तो मिल जाएगा कितना, 54, यानी कि 54। लेकिन अगर हम बात करें 54 कहीं पे आपको विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा है, करना क्या है, लैंग्वेज पे जाना है, लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देना है। लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है एटलीस्ट, ध्यान दीजिए क्या देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट यानी कि या तो एक सतह रंगीन हो, या तो दो सतह रंगीन हो, या तो तीन सतह रंगीन हो। यानी कि अगर हम बात करें पूरे के पूरे घनों में से केवल हम उन घनों को यहाँ पे हटा देंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। और ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने घन मिलेंगे यहाँ पे देखने को, तो n माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 3 के क्यूब की हम बात करें तो 3 का क्यूब होता है कितना, 27। कुल घनों की संख्या कितनी थी, कुल घनों की संख्या थी 125, जिसमें से 27 घटा देंगे तो घनों की संख्या बच जाएगी कितनी, 98, यानी कि 98 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न का। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस अभी खत्म नहीं होती, अभी इससे रिलेटेड हम वेरियस जो प्रश्न बन सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सेशन को मैं थोड़ी देर के लिए, चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, अगर ज्यादा मेरे को लगेगा तो मैं सेशन को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस रेड एंड एडजेसेंट फेस ग्रीन, यानी कि एक सतह क्या हो लाल रंग की और साथ ही साथ एडजेसेंट जो फेस हो वो क्या हो ग्रीन कलर की हो। तो देखो यहाँ पे ओनली या एटलीस्ट जैसा कोई भी शब्द आपको देखने को नहीं मिला है, या एटमोस्ट भी आपको देखने को नहीं मिला। और मैंने कहा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ओनली कंसिडर करके चलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें लाल रंग से रंगा हुआ घन है जिसमें आपको एक सतह लाल रंग की चाहिए और एक सतह क्या चाहिए हरे रंग की चाहिए, इट मींस जो विजिबल सरफेसेस होंगे तीन होंगे, एटमोस्ट तीन सतह रंगीन वाले घन हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें तो जब बोला है एक सतह लाल हो दूसरी हरी हो, इट मींस तीसरा किसी भी कलर से पेंट नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। एटलीस्ट बोला गया होता तो यहाँ पे तीसरा जो सरफेस है वो कोई भी कलर का हो हम उसको कंसिडर करके चलते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों के दिमाग में ये वाले क्यूब्स आ रहे होंगे, ये वाले, तो ये वाले क्यूब्स को जब आप निकालोगे तो एक सतह केवल लाल होगी, यहाँ पे भी एक सतह लाल वाले आपको घन मिलेंगे, यहाँ पे भी एक सतह लाल वाले घन मिलेंगे, और इसके पीछे भी और नीचे भी और साइड में भी इसी प्रकार से आपको एक सतह लाल वाले घन मिलेंगे। जबकि दो सरफेस कलर वाले क्यूब्स जो है वो आपको या तो ग्रीन कलर वाले मिलेंगे या तो तीनों के तीनों सरफेस आपको ग्रीन कलर वाले मिलेंगे। यानी कि ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। बात करेंगे फटाफट से अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री ग्रीन फेसेस ईच, कितने ऐसे घन है जिनके तीन सतह क्या हरे हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पे एक घन, दो घन, इसी प्रकार से तीसरा घन हो जाएगा, ये चौथा घन हो जाएगा, ये पांचवा घन हो जाएगा, ये छठवा घन हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा, और एक इसके पीछे, यानी कि आठ ऐसे घन मिलेंगे जिनकी तीन सतहों पे क्या होगा हरा रंग होगा। यानी कि कॉर्नर क्यूब्स यहाँ पे जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं वो तीनों के तीनों ग्रीन सरफेस पेंट वाले आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एट। क्लियर, चलिए मूव ऑन करेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो अगेन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट टू ग्रीन फेसेस ईच, कितने ऐसे घन हैं जिनके क्या है केवल दो सतहें रंगीन हैं। लेकिन यहां पे आपको शब्द देखने को मिला एटलीस्ट, केवल नहीं एटलीस्ट, यानी कि हम दो वाले को भी कंसिडर करेंगे और तीन वाले को भी कंसिडर करेंगे। तो केवल दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की अगर हम बात करें जो कि क्या हो हरे रंग से रंगे हुए हो, तो यहां पे हमें हर एक किनारे पर तीन ऐसे घन देखने को मिल रहे हैं और 12 ऐसे किनारे हैं जिन पे हमें क्या मिलेंगे केवल दो सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 36। जबकि मैंने कहा एटलीस्ट लिखा है, यानी कि हम उन घनों को भी कंसिडर करेंगे जिनकी कम से कम दो सतहें तो हरे रंग से हो, बाकी तीसरी किसी भी रंग से रंगी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे हमें कॉर्नर क्यूब्स मिल जाएंगे आठ जिनकी क्या है तीन सतहें हरे रंग से रंगी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से अगले प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो इस बार क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर विदाउट एनी कलर, कलरलेस क्यूब्स की संख्या। तो n की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, n की वैल्यू है 5, n माइनस क्या कर देना है 2 कर देना है, वैल्यू मिल जाएगी 3, और 3 का क्यूब कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी किसी भी सरफेस पे कोई भी कलर नहीं होगा। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो बोला है क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 729, यानी कि एन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9 आ गई। 729 छोटे घनों में क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड फेसेस, यानी कि काफी इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अ क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 729 स्मॉलर एंड आइडेंटिकल क्यूब्स बाय मेकिंग द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड फेसेस। तो हमें पता है ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक किनारे पर n माइनस 2 होती है, और n की वैल्यू है 9, तो प्रत्येक किनारे पे मिलेगा हमें 7। और किनारों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो किनारों की कुल संख्या होती है 6, यानी कि मिल जाएंगे कितने 49 ऐसे क्यूब जिनकी केवल क्या होगी दो सतहें। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड फेसेस, केवल दो सतहें क्या होंगी, सॉरी यहाँ पे किनारों की संख्या होती है 12, 12 सतह 84, ठीक है।
एक किनारों पे हमें ऐसे घनों की संख्या जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। और किनारों की संख्या कुल कितनी होती है, 12 होती है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है यहाँ पे, 12n-2। यानी कि यहाँ पे एक किनारे पे मिलेंगे 7 ऐसे घन और किनारों की संख्या होती है 12, तो 12 7 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आज के सेशन का ये लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एग्जाम का नाम यहां पे आपको शायद गड़बड़ देखने को मिल सकता है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में करेक्शन करा दूंगा। यहां पे ये महाराष्ट्र अगर मैं बात करूं तो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, एग्जाम का नाम यहाँ पे आपको गड़बड़ देखने को मिल रहा है। प्रश्न में आपको इमेज साथ में दी गई थी। अब प्रश्न की भाषा को समझेंगे। प्रश्न की भाषा काफी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द कंपेनिंग इमेज शोइंग अ लार्ज क्यूब मेड ऑफ डार्क एंड व्हाइट स्मॉल शुगर क्यूब्स, ठीक है। एक यानी कि हम बात करें छोटे छोटे शुगर क्यूब्स को मिला करके एक बड़े घन का निर्माण किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉल क्यूब्स ऑफ द डायगोनली अरेंज्ड रो ऑफ द बॉटम सरफेस, यानी कि सबसे बॉटम सरफेस की बात करें तो डायगोनली अरेंज का मतलब समझिए कि जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर इसके बाद ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो बॉटम सरफेस पे ये जो चारों घन है ना, ये क्या है, बॉटम सरफेस ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है। इसके आगे की अगर हम बात करें, यानी कि हम चार घनों की बात कर रहे हैं, ये वाले की इसी के साइड में पैरेलली जो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया उन घनों की मैं बात करूं। आगे की अगर हम बात करें, स्मॉल क्यूब्स ऑफ द रो विद वन फेस ऑन द राइट हैंड, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें रो पंक्ति वाइज, पंक्ति की अगर मैं बात करूं जैसे ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तो पंक्ति की बात कर रहा है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं स्मॉल क्यूब्स ऑफ द रो विद वन फेस ऑन द फ्रंट सरफेस, यानी कि ये वाले की हम बात कर रहे हैं, इस वाले के पूरे पीछे के चार घनों की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं एंड स्मॉल क्यूब्स ऑन द कॉलम विद वन फेस, यानी कि इस वाले की हम पूरे के पूरे नीचे तक के चार घनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर ऑल डार्क, यानी कि ये सभी क्या है, डार्क स्मॉल क्यूब्स है। सेलेक्ट द नंबर ऑफ स्मॉल व्हाइट क्यूब्स ऑफ द लार्जर क्यूब, और हमें बताना है कि जो पूरा का पूरा बड़ा वाला घन है उसमें कितने ऐसे घन है जो कि डार्क नहीं है या फिर व्हाइट है, ठीक है। अब समझिए, अब फिर से एक बार लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सबसे निचली वाली सतह है यानी कि बॉटम मोस्ट जो लेयर है, इसके डायगोनली जो क्यूब्स अरेंज है वो क्या है, डार्क क्यूब्स हैं। राइट साइड की ये जो रो वाइज आपको क्यूब्स चार देखने को मिलेंगे, ये डार्क क्यूब्स हैं। फ्रंट वाले जो आपको रो वाइज क्यूब्स देखने को मिलेंगे, ये डार्क क्यूब्स हैं। और अगर हम बात करें कॉलम वाइज, ये वाले जो चार क्यूब्स होंगे ये क्या मिलेंगे, डार्क क्यूब्स मिलेंगे। तो इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन क्यूब्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इस वाले हम क्या करेंगे, कॉलम से नीचे के चार क्यूब्स को कंसिडर करेंगे और इस वाली रो से जब हम सीधा सीधा चार क्यूब्स कंसिडर करेंगे तो इनमें एक क्यूब क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी कि इसके चार और इसके चार में एक क्यूब कॉमन होगा, यानी कि क्यूब्स की संख्या कितनी हो गई, 7। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ये वाला क्यूब जब डायगोनली गए हैं तो ये उसी का पार्ट है, यानी कि ये चार क्यूब जो आपको डायगोनली देखने को मिले थे ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे क्यूब्स की संख्या कितनी हो गई, 4। और यहाँ पे क्यूब्स की संख्या, यानी कि इस वाले अगर हम रो की बात करें सीधा सीधा, तो यहाँ पे क्यूब्स की संख्या कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे इस प्रकार अगर मैं घनों की संख्या की बात करूं तो 7 + 4 + 4 = 7, 4 = 11, 4 = 15 ऐसे छोटे घन है जो कि क्या है, डार्क क्यूब्स है, ठीक है। अब अगर हम कुल घनों की संख्या की बात करें तो कुल घनों की संख्या कितनी है, 64 माइनस क्या कर देना है, 15 कर देना है, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5 में से गया 4, यानी कि 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर, तो करना कुछ है नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ गए, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर फीड है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप आसानी से प्रश्नों को बना पाएंगे बिना किसी कठिनाई के। क्लियर,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी को क्या करना है, अपने नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ कमेंट करना है आज के सेशन में, जिससे हम आने वाले सेशन की अगर बात करें तो कैलेंडर का जो सेशन होने वाला है वहां पे आपको बता सके, आपको सिखा सके और आप ये जान सके हमारे साथ कि कितनी बार आपने अपना जन्मदिन उसी दिन मनाया है जो कि आपकी क्या थी, डेट ऑफ बर्थ वाला दिन था, जो कि आपके, अगर मैं बात करूं जन्म दिवस यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए थे जो दिन था उसी दिन अगर हम बात करें कितनी बार आपने अपना जन्मदिन मनाया, इसको आप जान सकें। और अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के कैलेंडर का सेशन में, मान लीजिए पूरा नहीं देखना चाहते तो कैलेंडर के सेशन में रिपीटिशन ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट जरूर समझ के आइएगा, जिससे आपको और बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और फैक्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।